बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस श्रीदेवी ने 54 साल की उम्र तक लगभग 300 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति जमा कर ली थी, जिसमें उनके 3 घर 7 गाड़ियां भी शामिल हैं। इनके अलावा वो लक्स और तनिष्क जैसे 2 बड़े ग्लोबल ब्रांड की एम्बेसडर भी थी। ऐसा बताया जा रहा है कि वो हर फिल्म के लिए लगभग 3.4 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपये तक फीस लेती थी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि उनकी कुल संपत्ति में उनके पति बोनी कपूर की भी कोई हिस्सेदारी नहीं है। 2018 में श्रीदेवी की नेटवर्थ 247 करोड़ रुपए तक हो गई थी। ये पिछले कुछ सालों से 24% के हिसाब से बढ़ रही है। 2011 के बाद से फिल्मों में वापसी करने पर इनकी सालाना कमाई 13 करोड़ रुपए हो गई थी। बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में प्रसिद्ध श्रीदेवी के नाम पर कुछ महंगी कारें और बंगले भी हैं। हालांकि श्रीदेवी को गाड़ियों का बहुत कम शौक था, लेकिन उन्होंने कभी भी छोटी गाड़ियां नहीं खरीदी थी। श्रीदेवी के नाम पर कुल 7 गाड़ियां हैं, जिनकी कीमत लगभग 9 करोड़ रुपये हैं। इन गाड़ियों में बेंटले के अलावा ज्यादातर ऑडी और फोर्ड भी शामिल हैं। श्रीदेवी ने अपनी कमाई से 3 घर भी खरीदे थे। इनमें वसोवा और लोखंडवाला का बंगला भी शामिल है। इनकी मार्केट वैल्यू लगभग 62 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो गई है।